लेकिन जो मूल मुद्दे हैं देश के, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करते। विपक्ष का शीर्ष नेता संसद से बाहर कर दिया जाता है, इस पर प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार की अपने आप उनका न वक्तव्य आता है न मन की बात आती है। संसद में बोलने का राइट खत्म किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। पिताजी ने जिस तरह से पार्टी चलाई, सड़कों पे आंदोलन किया, आंदोलन की पार्टी थी है, लेकिन वो अब नहीं दिखता है। अखिलेश को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, वो नहीं आते हैं बार बार, और मुझे लगता है 2024 में जनता इसके नतीजे भी बेहतर देगी। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हम लखनऊ के शहीद स्मारक पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस का मौन सत्याग्रह चल रहा है, और जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी हैं, मोना मिश्रा है, नसीबुद्दीन सिद्दीकी हैं, पीएल पुनिया हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है खाबरी साहब हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात में राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी है वहां की हाईकोर्ट ने, उस चीज को लेकर यहाँ पे मौन सत्याग्रह चल रहा है। और देश में जितने भी मुद्दे हैं उस चीज को लेकर भी एक सत्याग्रह यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के जो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देश में किस तरह से तमाम चीजें हो रही है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है। सर, क्या लगता है आपको ये सत्याग्रह करने का जो पूरा मकसद है वो क्या है इसका पूरा? देखिए, जिस तरह से देश में संविधान के दरकिनार किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और संविधान और लोकतंत्र के ही माध्यम से जो जनता के अधिकार हैं, जनता के अधिकारों पर बात नहीं हो रही है। आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने 100 एपिसोड अपने मन की बात सुना दिए, और मन की बात में उन्होंने बार बार आखिरी में ये कहा कि भाई आप हमें मैसेज करें, संदेश भेजें, और आपकी बातों को भी शामिल किया जाएगा। मगर वो बातें जो लोग चिट्ठी पत्री करते हैं या मेल के माध्यम से मैसेज करते हैं, उनकी बातों को शामिल नहीं किया जाता है। कहीं वो चिड़िया को पानी पिला रहे होते हैं, कहीं शिक्षा पे ज्ञान दे रहे होते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं देश के, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करते हैं। देश को एक नई संसद मिल गई है, लेकिन संसद में विपक्ष कैसा होना चाहिए वो उसकी हत्या हो रही है। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस का राज हुआ करता था और विपक्ष के एक दो सांसद हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता विपक्ष के सांसदों को आशीर्वाद देते थे कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन आज विपक्ष का शीर्ष नेता संसद से बाहर कर दिया जाता है, इस पर प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार की अपने आप उनका न वक्तव्य आता है न मन की बात आती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लबोलुआब ये है कि जो संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता के अधिकारों की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं कर रहे हैं। संसद में बोलने का राइट खत्म किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी की सजा बरकरार है, अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, वहां से अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो क्या, क्योंकि जो प्रमोद कृष्णन है उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जो पीएम कैंडिडेट है वो, उसको कांग्रेस जो है वो प्रियंका गांधी को घोषित करे, क्योंकि प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता है, मास लीडर है, जनता के बीच में उनकी पहुंच है, जो है वो गाड़ी से उतर के जनता के बीच पहुंच जाती है। तो क्या नहीं लगता है कि राहुल गांधी की अगर सजा बरकरार रहती है या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है तो प्रियंका गांधी के लिए आप लोगों का क्या मत है? क्या उनको पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखिए, ये बड़ा कठिन प्रश्न है हम लोगों के लिए। हम लोगों की इच्छा, एक कार्यकर्ता की इच्छा किसी के प्रति किसी को प्रधानमंत्री बनाने की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे चुने हुए सांसद ही तय करते हैं, चुने हुए विधायक ही तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आप लोग मेन बॉडी में हैं, कहीं ना कहीं ये आता होगा, क्योंकि एक तस्वीर साफ दिख रही है आपको कि सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो उनको चुनाव न लड़ने का हक है, ना वो किसी चीज में, ना संसद के वो सदस्य हो सकते हैं। तो उस अवस्था में मैं बात कर रहा हूँ कि प्रियंका गांधी के लिए आप लोगों के मन में कुछ है या नहीं है? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, इससे पहले भी मैंने कहा है कि न्यायपालिका में कांग्रेस का अटूट विश्वास है। जहां आप देख रहे होंगे देश में कि ईडी और सीबीआई को प्रभावित करती है सरकार, चुनाव आयोग को प्रभावित करती है सरकार, न्यायपालिका भी इससे अछूती नहीं है।
उसके बावजूद भी न्यायपालिका में हमारा भरोसा है, तीन चरण है और सुप्रीम कोर्ट में जो है हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और जहां तक रहा प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सवाल या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सवाल, अभी इस प्रकार का कोई निर्णय न परिवार के अंदर लिया गया है, न आलाकमान के ने इस बात को तय किया है, न CWC में इस तरह की कोई बात हो रही है। हाँ, ये हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, लगातार जनता के हितों पर, जनता के मुद्दे पर, जनता के खिलाफ जो सरकार काम कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इसको लेकर लगातार हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मुखर हैं, स्टेट के चुनावों में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सांसदों पर ही छोड़िए, वो सांसद ही तय करेंगे कि प्रियंका गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे या कोई और होगा। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्ष पार्टी है यूपी में, कहीं ना कहीं धरने के लिए जाना जाती थी, जनता के मुद्दों के लिए वो जानी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सिर्फ अपने पार्टी कार्यालय और अपने घर तक सीमित रह गए, और उससे अच्छा काम तो कांग्रेस कर रही है जो कि अपने वजूद को तलाश रही है यूपी में। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल समाजवादी पार्टी यूपी में नहीं अदा कर रही है? ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जिस प्रकार से एक विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुखर होना चाहिए या विपक्षी दलों के साथ जो जनता के मुद्दे हैं विपक्षी दलों के साथ खड़े होने चाहिए, और लोकसभा के आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है, कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जिस तत्परता से और जिस खुलेपन से अखिलेश को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, वो नहीं आते हैं बार बार। और पिछले 6 वर्षों में उन्होंने जनता के मुद्दों पर भी आपने देखा होगा कि वो सड़कों पर नहीं आए। उनके पिताजी ने जिस तरह से पार्टी चलाई, सड़कों पे आंदोलन किया, आंदोलन की पार्टी थी, है, लेकिन वो अब नहीं दिखता है। तो उत्तर प्रदेश में आपने और दलों का हश्र देखा है इससे पहले, जिन्होंने जनता के मुद्दों पर काम नहीं किया, अपने आप को राजशाही मानकर कि नहीं, हमारे पास एक दल है, हम टिकट बांट देंगे, जिसको चाहेंगे वो विधायक हो जाएगा और हम सत्ता में आ जाएंगे, चाहे मिलीजुली के रूप में या पूर्ण बहुमत के रूप में। ये जो सोच है, ये 1947 के बाद, आजादी के 75 वर्ष बाद, ये सोच बदल रही है जनता की। जनता सड़कों पर देखना चाहती है अपने नेता को, और जिस राजनीतिक दल में उसका विश्वास है उसको वो सड़कों पर देखना चाहती है। कांग्रेस से मोह भंग हुआ जनता का, लेकिन पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और पिछले 9 वर्षों में कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों पर सड़कों पर रही, जेल गई। इसलिए जनता एक बार कांग्रेस से हटने के बाद फिर कांग्रेस की तरफ उसका रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है 2024 में जनता इसके नतीजे भी बेहतर देगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रदेश प्रवक्ता, जिनका साफ कहना है कि जो ये मौन सत्याग्रह है, इसके माध्यम से हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और ये शुरुआत है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और तमाम मुद्दे हैं, उस चीज को लेकर आप एक बार दोबारा देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश के लोग इस वक्त कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो तमाम लोग उत्तर प्रदेश के कांग्रेस इस वक्त शहीद स्मारक लखनऊ में मौजूद है और मौन सत्याग्रह चल रहा है। प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बड़े नेता भी मौजूद है। अब देखना होगा कि इस मौन सत्याग्रह के बाद कांग्रेस कितनी मजबूत होती है और लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है या चीजों को एक धरातल पर पहुंचा पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से मुजाहिद ज़ैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।